उर्मिला मातोंडकर ने हाल ही में इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कंगना रनौत पर कई सारे अटैक किए। जी हाँ, अटैक एज इन कई सारी बातें कही। तो चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि कंगना रनौत को लेकर कई लोग इस वक्त नाखुश हैं उनके पीओ के रिमार्क से, जिस तरह की बातें वो इंडस्ट्री को लेकर या मुंबई को लेकर कर रही हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हाल ही में उर्मिला मातोंडकर से जब बातचीत की गई, तब उर्मिला ने कहा कि कंगना रनौत का कोई हक नहीं बनता पूरी इंडस्ट्री को इस तरीके से डिफेम करने का, और जिस तरह की ड्रग मैनियास वो बात कर रही हैं, क्या वो अपने देश के अपने स्टेट के बारे में जानती हैं? क्या उन्हें पता है कि हिमाचल प्रदेश इज द ओरिजिन ऑफ ड्रग्स, ओरिजिन जहां से होता है ड्रग्स का वो हिमाचल प्रदेश है। सो इस तरीके से उर्मिला ने सवाल तो उठाए कंगना पर, और ये भी कहा कि मैं मुंबई की बेटी हूँ, सो मैं बिल्कुल भी कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे सिटी या मेरे स्टेट को लेकर इस तरह की बातें कोई करे। तो इस तरीके से उर्मिला मातोंडकर ने अपना जो एक क्वेश्चन है वो रेज कर दिया है कंगना पर। उन्होंने कहा कि सच के खिलाफ आवाज़ उठाना बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरीके से किसी स्टेट को पूरी तरीके से डिफेम करना गलत है। आप लोग एज अ व्यूअर क्या कुछ कहेंगे इस पर, आप बताइए कॉमेंट सेक्शन में।